Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions that CBSE may ask in your board exam. So let's begin with the part 5, that is nitric acid. Nitric acid, HNO3, iske preparation ke sare reactions pata honi chahiye, jo bhi hain, ye zyada important nahi hai waise par pata honi chahiye sare, jitne preparation ke hain. Main fir yahan se hain properties mein, jab tum NCERT book mein dekhoge, तो प्रॉपर्टीज करके वहाँ पे भी लिखे होंगे कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है. जब HNO3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H3O प्लस और आयन और NO3 माइनस बनता है, ठीक है. फिर कॉपर और जिंक के साथ वाले थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, पर ये डेफिनेटली पता होने चाहिए, ये ज़रूर आते हैं. दीज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं. कभी कभार कॉपर के साथ 8 HNO3 दे देते हैं, कभी 4 HNO3 दे देते हैं. ये भी नहीं दिया तो बेसिकली वो ये पूछते हैं कि कॉपर के साथ डाइल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा और कॉन्क को ऐड करेंगे तो क्या होगा. ये ऐसे भी दे सकते हैं डाइल्यूट और कॉन्क ना दे के सिर्फ नंबर दे दें और कन्फ्यूज करने के लिए, या फिर सीधा पूछ सकते हैं तुमसे डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर को रिएक्ट कराएंगे या कॉपर को हम कॉन्क HNO3 के साथ कराएंगे. तो ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूट के साथ अगर हम कराएंगे ना तो NO आएगा, और अगर कॉन्क के साथ कराएंगे तो NO2 आएगा. और ये दोनों तो तुम कर ही लोगे, वाटर वाटर तो सबके साथ ही मिलता है, और ये पता होना चाहिए, ठीक है. ये तो ईजी है कि CuNO3 होल ब्रैकेट ट्वाइस, CuNO3 होल ब्रैकेट ट्वाइस, यहाँ पे पर डाइल्यूट के साथ NO मिल रहा है और कॉन्क के साथ NO2 मिल रहा है. फिर नेक्स्ट जिंक के साथ भी ऐसा ही है, इसमें ही पूछ सकते हैं, या तो नंबर दे देंगे कन्फ्यूज करने के लिए कि 10 HNO3. अब जिसको पता नहीं होगा 10 HNO3 डाइल्यूट के साथ है वो तो गलत रिएक्शन लिखाएगा, तो ये भी पता होना चाहिए. डायरेक्ट इसको तो याद करना पड़ेगा, वहाँ पर करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो डाइल्यूट और कॉन्क, ठीक है. तो डाइल्यूट और कॉन्क के साथ, जैसे डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर जिंक को किया तो N2O आएगा, और अगर जिंक को हमने कॉन्क HNO3 के साथ किया तो हमारा NO2 आएगा. ओके, फिर ये पूछा जा सकता है कि दो ऐसे मेटल बताओ जो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते और क्यों नहीं होते. CR और एल्यूमिनियम नहीं होते क्योंकि उनमें पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन जाती है, याद रखना, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड उनकी सरफेस पे बन जाती है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. देन नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या रिएक्शन भी दिया जा सकता है कि आयोडीन टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू H2SO4, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करके बताओ कैसे होगा. HNO3 को कन्वर्ट करके बताओ या फिर रिएक्शन बताओ इनका, ठीक है. फिर आ गया ब्राउन रिंग टेस्ट. ब्राउन रिंग टेस्ट भी पता होना चाहिए, ये तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी किया होगा तो आता ही होगा. नेक्स्ट वुड बी इसके यूजेस. यूजेस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, किसी में से भी पूछ सकते हैं यूजेस, तो अमोनिया में से ज़्यादा चांसेस है पूछने के यूजेस को. मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स, 1 सेकेंड, या सो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स यूज फॉर एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग ऑफ मेटल, ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, ठीक है. ये इसके यूजेस हैं, दैट्स इट.